वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSPU जौनपुर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट 2023 सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट्स है, अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कई कोर्स का रिजल्ट अभी तक अनाउंस किया गया है और इनमें देखिए PG के भी छात्र हैं और UG के भी छात्र हैं। तो देखिए BA BSc BCOM का अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, ये आप सभी छात्रों को पता होगा जो थर्ड सेमेस्टर के हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका रिजल्ट शीघ्र ही जारी किया जाएगा। हालांकि देखिए जिन कोर्स का रिजल्ट आ गया है, जैसे MA का आया है, LLB का आया है और MED का है, और कुछ छात्रों का रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि साइट पर उनका तो ऑप्शन दे दिया है कि इनका रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन जब वो रोल नंबर फिल कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो ऐसे छात्रों को बताना चाहूँगा कि देखिए रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस तो किए गए हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपके कॉलेज की तरफ से जो आप प्रायोगिक या मौखिक दोनों परीक्षा होती हैं उनके नंबर्स नहीं भेजे गए होंगे या फिर देरी से भेजे गए होंगे। तो जब वे नंबर्स अपलोड कर दिए जाएंगे तो ही आपका रिजल्ट शो करेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको इंतज़ार करना है। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रायोगिक नंबर और मौखिक का जो नंबर है वो कई कॉलेजों ने नहीं दिया है, कई ने बहुत लेट जमा किया है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए लेटेस्ट अपडेट था, बाकी जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हो पाया उनका जल्द ही जारी हो जाएगा। वेट करते रहें और टेलीग्राम से जुड़कर रहें, वहाँ पर सीधा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो चैनल साथ।